बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन है और उस ज़मीन में क्या होता है कि कोई अवैध जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर देता है और उनको पता भी नहीं होता है। अब इसको लेकर जो है बिहार सरकार यहाँ पे कई बार जो है नोटिस जारी कर रही है कि आपके पास जो भी ज़मीन है उस पर जो है किसी प्रकार की अवैध तरीके से कोई दाखिल खारिज की आवेदन कर रहा है उसका स्थिति जो है घर बैठे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आप सभी को पता ही है कि इससे पहले अपना जो भी मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, वो जमाबंदी में सरकार जो है लिंक करवा रही है, जिसके माध्यम से कभी भी अगर अवैध तरीके से कोई आपके ज़मीन में से दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन करता है तो आपको जो मैसेज यहाँ पे मिल जाएगा। तो मोबाइल नंबर लिंक करना आसान है, मैंने बता ही दिया हुआ है कि इस तरह से लिंक कर सकते हैं, तो आप लिंक कर लीजिएगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिंक नहीं किए हुए, उनको जो एक खुद से चेक कर लेनी चाहिए कि उनके पास जो भी ज़मीन है उसमें कोई अवैध तरीका से दाखिल खर्च के लिए आवेदन तो नहीं कर रहा है। अगर किया हुआ है तो उस पर किस तरह से ऑब्जेक्शन करना है, घर बैठे आप जो ऑब्जेक्शन है उसको कर सकते हैं, जिसके बाद उसका दाखिल खर्च नहीं होगा। तो पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास एक ऑफिशियल यहाँ पे पेपर का जो है कटिंग है जिसमें जानकारी दी गई है कि ज़मीन के जो अवैध दाखिल खारिज है ना उसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग के पास जो है ज़मीन होता है और उनको पता नहीं होता है और कोई जो है अवैध यहाँ पर दाखिल खर्च करके उनके ज़मीन में से जो है दाखिल खर्च करवा लेता है और बाद में कहीं ना कहीं उनको समस्या हो जाता है, ठीक है। तो जो भी अवैध दाखिल खर्च की स्थिति है उसको आप चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे ये भी पता लगा सकते हैं कि जो भी आपके मौजा है जहाँ पे आपका ज़मीन है उसके अंतर्गत जो है कितने लोग जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर रहे हैं, कौन कौन से खाता, कौन कौन से खेसरा के अंतर्गत, डेली का जो अपडेट है ना वो भी आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो है अवैध तरीके से जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर दिया जाता है और आपको पता नहीं होता है तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम होता है। और कहीं ना कहीं मान लीजिए आपके ज़मीन पर कोई अवैध दाखिल खारिज के लिए आवेदन करता है तो उसका जो शिकायत है ना सीधे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी कि उसको आप एक तरह से समझिए कि वाद दायर कर सकते हैं कि इस पर जो है अवैध जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया गया है तो इसको दाखिल खारिज नहीं किया जाए, ठीक है। तो इसमें पूरी जानकारी हम बताएंगे, चाहे तो इस पेपर को कटिंग को पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे सभी चीज़ों को बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है कि आपको जो है बिहार भूमि जानकारी का जो ऑफिशियल पोर्टल है ना यहाँ पर आपको आना है, ठीक है। इसके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि ऑनलाइन सर्विसेज का जो है फैसिलिटी आपको देता है और ऑनलाइन जो है इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, दो काम आप इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है दाखिल खर्च के लिए आवेदन आपको करना होता है और यहाँ से दाखिल खर्च की जो स्थिति होती है ना वो आपको चेक करना होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि दाखिल खर्च की जो स्थिति चेक करने का बटन है ना यहीं पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका जो ज़मीन है ना वो कौन से जिला के अंतर्गत है जिसकी आप जानकारी चेक करना चाहते हैं कि आपके ज़मीन में से कोई अवैध दाखिल खर्च के लिए आवेदन तो नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए हम गोपालगंज का देखना चाहते हैं तो गोपालगंज का हमने सिलेक्शन किया, फिर यहाँ पे हम अंचल बताएंगे कौन से अंचल और उसके बाद वित्तीय वर्ष, आप चाहें तो 2017 से लेकर जो है 2025 तक की जो भी जानकारी है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम करेंट का देखेंगे कि हो सकता है कि अभी फिलहाल में कोई हमारे ज़मीन की दाखिल खर्च में अवैध तो दाखिल खर्च के लिए आवेदन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर हम 2025 ही सिलेक्ट करेंगे, 2425, ठीक है। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने जो है बहुत सारे विकल्प है, अगर आपको केस नंबर पता है तो केस नंबर तो पता होगा नहीं तो इसको आप छोड़ ही देंगे, अगर कोई जमीन का रजिस्ट्री करवाता है तो डीड नंबर मिलता है तो डीड नंबर पता है तो उससे भी खोज सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहां पर देखेंगे मौजा से खोजे का जो विकल्प है ना ये सबसे अच्छा विकल्प है, या फिर आपका जो भी प्लॉट संख्या है उससे भी आप खोज सकते हैं। तो यहां पर मौजा का सिलेक्शन करके यहाँ पे प्लॉट का भी सिलेक्शन करके जो भी पर्टिकुलर प्लॉट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है कि उस प्लॉट में कोई अवैध जो है दाखिल खर्च के लिए आवेदन तो नहीं किया हुआ है तो उसको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहता है कि प्लॉट नंबर मत सेलेक्ट करिएगा, पूरे अपने मौजे का सिलेक्शन कर लीजिएगा, जो भी आपका मौजा आता है ना तो पूरे मौजे में जो भी रिसेंट में दाखिल खर्च के लिए आवेदन किए गए होंगे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मौजे का सिलेक्शन कर लिया हुआ है, यहाँ पे सुरक्षा कोड है इसको जोड़ने के लिए बोला जा रहा है तो हमें जोड़कर डालना है, अगर माइनस करने के लिए बोला जाएगा तो माइनस करके डालिएगा, तो जैसे कि 5 और 2 7 होता है तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, फिर यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी म्यूटेशन की आवेदन की सूची है
ना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको केस नंबर देखने को मिल जाएगा, जो भी एप्लीकेंट की खाता खेसार नंबर हो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और जो भी एप्लीकेंट दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया हुआ है उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि मैंने इसको ब्लर कर रखा हुआ है, किसी की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली शेयर करना सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम देखिएगा, जो भी इनकी प्लॉट की जानकारी है और जो भी इनका केस नंबर है उसको भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन का डेट में आप देख सकते हैं कि 5/4/2024 से स्टार्ट है और 6/4/6/4/12/4 इस तरह से देखेंगे तो नीचे आएंगे तो आपको रिसेंट का देखने को मिलेगा और ऊपर आपको थोड़ा सा ओल्ड आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे स्टेटस आप देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इनका करेक्शन स्लिप जनरेट हो गया, इनका मतलब ये है कि इनका जो दाखिल खारिज है ना वो कम्प्लीट हो गया है। और जिनका देखेंगे किसी प्रकार की यहाँ पे अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा दाखिल खर्च का, तो यहाँ पे देखेंगे स्टेटेड रिजेक्टेड केसेस, यानी कि इनका जो है ना यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। और बाकी देखेंगे तो कई सारे में आपको जो है यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ कमियाँ हैं जिसके चलते कर्मचारी साहब के द्वारा यहाँ पे ऑब्जेक्शन किया गया है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आप चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपने कोई ज़मीन को नहीं बेचा हुआ है, अवैध तरीका से जो है आपके ज़मीन में दाखिल खर्च के लिए आवेदन किया गया है, तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए परिवाद दायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा और यहाँ पे देखेंगे जो पेंडिंग एड कर्मचारी देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पे अभी इन्होंने आवेदन किया हुआ है, देखिए 2/8 को आवेदन किया हुआ है और इनका जो है कर्मचारी के पास पेंडिंग है। कर्मचारी इसका जांच प्रतिवेदन करेंगे और फिर सीओ को रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद ही जाकर इसका दाखिल खर्च संभव हो पाएगा। अब यहाँ पे इसके सामने देखेंगे तो एक आई का जो है आइकन भी दिया गया है, जिस भी दाखिल खर्च के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, जानकारी चेक करना है, तो आप उसके सामने क्लिक करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो है आवेदन का जो भी स्थिति है ना, जैसे कि जो भी दाखिल खर्च के लिए आवेदन किया हुआ है उसकी स्थिति आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें इनको केस नंबर भी दिया गया है, देखेंगे तो केस स्टेटस में जो इनका जो है ऑब्जेक्शन किया गया है, ऑब्जेक्शन क्या है तो उसका जो नोटिस है ना नीचे आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्शन का नोटिस आपको देखने को मिलेगा कि इनमें क्या कमी पाई गई है जो कि कर्मचारी के द्वारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट किया गया है। बाकी जो भी ज़मीन देख सकते हैं कि यहाँ पर खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है, दोनों जानकारी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो आप यहां पे चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी यहां पे जो भी जमीन की इंफॉर्मेशन है, खाता नंबर, प्लॉट नंबर और कितना एरिया है, ये भी आपको यहां पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको, लगता है कि अवैध तरीका से जो है दाखिल खर्च के लिए आपके जमीन पर आवेदन किया हुआ है तो आप यहाँ पे इस पे एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। एक्शन लेने के लिए आपको करना क्या है, बिहार भूमि के ऑफिशियल पोर्टल पे आना है और यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, दाखिल खारिज वाद पर ऑब्जेक्शन दर्ज करें, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले अगर आपने लॉगिन आईडी क्रिएट नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको डालकर लॉगिन आईडी क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे लॉगिन के बटन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे दाखिल खारिज वाद पर ऑब्जेक्शन दर्ज करे का जो बटन है ना, ये आपको देखने को मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय जानकारी दिया हुआ है उसकी पूरी जानकारी देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो भी जिला है जहाँ पे आपका जमीन है, ठीक है, उस जिले का सिलेक्शन करना है, फिर यहाँ पे अंचल का सिलेक्शन करना है, दाखिल खारिज वाद पर ऑब्जेक्शन दर्ज करे के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है वित्तीय वर्ष बताना है, जैसे कि 2024-25 में कोई मतलब यहाँ पे दाखिल खारिज पे हमें ऑब्जेक्शन करना है तो यहाँ पे हम उसका सिलेक्शन करेंगे, और जो भी केस नंबर है, ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैंने यहाँ पे बताया कि आपको जो है केस नंबर भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये वाला केस नंबर यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको जो है केस नंबर डालकर जो है नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, तो इसके बाद जो है जो भी ऑब्जेक्शन है वो करने का जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी ऑब्जेक्शन आपको करना है, अगर मान लीजिए अवैध तरीके से आपके जमीन पे जो है कोई दाखिल खर्च के लिए आवेदन किया हुआ है तो उसको आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह का कंडीशन है, उसके लिए आपको रिमार्क भी देना होगा और पूरी जानकारी देकर जो है सबमिट करना होगा, फिर यहाँ पे उस पे जो है आप ऑब्जेक्शन कर देंगे तो उसका दाखिल खर्च नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो भी आपका हल्का कर्मचारी का कार्यालय होता है वहाँ भी जाकर एक बार लिखित आवेदन जरूर दर्ज कर देंगे, वहाँ भी उनको मेंशन कर देंगे कि जमीन पे इस प्रकार की समस्या है, इसकी दाखिल खर्च नहीं किया जाए। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि किस तरह से आपके जमीन पे अगर कोई अवैध तरीका से दाखिल खर्च के लिए आवेदन
करता है तो उसको जो है ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने ज़मीन को बेचा हुआ है और उसके बाद कोई दाखिल खर्च के लिए आवेदन कर रहा है तो लीगल चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें आपका कोई हक नहीं बन रहा है। लेकिन मान लीजिए अवैध तरीका से आप नहीं चाह रहे हैं फिर भी आपके ज़मीन में कोई दाखिल खर्च करने के लिए आवेदन कर रहा है तो उसकी जानकारी आप चेक कर सकते हैं और उस पर आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं जिसके बाद उसका दाखिल खर्च नहीं होगा। तो मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने की कोशिश किया, फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें बता दीजिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाकर आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।